हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज आई क्यू अभिषेक में। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, माइक्रो प्रोसेसर की मैं पहली वीडियो जिसमें 25 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये मेरी उसी सीरीज में दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 माइक्रो प्रोसेसर के जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को खत्म होने के बाद अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है माइक्रो प्रोसेसर की, तो जाके उस वीडियो को भी आप देख लें। और फ्रेंड, बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द आरएसटी फॉर द ट्रैप। देखिए, ट्रैप के लिए आरएसटी क्या होती है, तो ट्रैप के लिए आरएसटी होती है आरएसटी 4.5। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिए। द एडवांटेज ऑफ मेमोरी मैप्ड ओवर मैप्ड आईओ, मतलब मेमोरी इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट आउटपुट मैप्ड आईओ इज, तो क्या एडवांटेज है। तो देखिए, इसका रिक्वायर है बिगर एड्रेस डिकोडर, बिल्कुल करेक्ट, फास्टर और मैनी इंस्ट्रक्शन सपोर्टिंग मेमोरी मैप्ड इंटर, मतलब इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज जो होगा उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरप्ट इज नॉट लेवल सेंसिटिव इन 8085, मतलब कौन लेवल सेंसिटिव नहीं है। तो याद करिए, इंटरप्ट जो 7.5 रेजिंग द एज ट्रिगरिंग इंटरप्ट, ठीक है, नॉट लेवल सेंसिटिव है, आरएसटी 7.5 इज रेजिंग, ठीक है। इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है। तो जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपका नहीं है, आपको बता देता हूँ इसका कर। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन प्रोसेसर इंटरफेस इन मैक्स मोड, ठीक है। आई इनपुट एंड आउटपुट कैन बी इंटरफेस इन मैक्स एंड मिनिमम मोड, बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट्स पाइप लाइनिंग, ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है कि जो है कॉप्रोसर इज इंटरफेस्ड इन MIN कोड, ये आपका जो है गलत है। वो मिनिमम कोड में नहीं होता, मैक्सिमम कोड में होता है, MX कोड में होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्रेस लाइन RST 3, तो एड्रेस लाइन क्या है RST 3 के लिए, उसके लिए 0.084H, ठीक है, याद रखिए 0.084H। विच स्टैक इन 8085, तो कौन सा स्टेट है 8085 में, LIFO, ठीक है, याद रखिए LIFO, LIFO, क्या चीज है LIFO, LIFO, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द लेवल ऑफ ट्रिगरिंग इंटरप्ट्स, तो ट्रिगरिंग इनपुट्स के क्या लेवल हैं, तो आपको पता होना चाहिए RST 6.5 एंड RST 5.5। तो आपका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज सिम, तो देखिए सिम क्या है, तो सिम को आपको बताना चाहिए सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, सेट इंटरप्ट मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RIM इज यूज टू चेक वेदर, देखिए RIM क्या चीज जो मतलब चेक करने के लिए यूज कराया था, तो RIM का चूक होता है इंटरप्ट इन मार्क्स ऑन नॉट, द इंटरप्ट इज मार्क्स ऑन नॉट, ये चीज क्या होता है चेक करने के लिए होता है, ठीक है। BHE of 8086 माइक्रो प्रोसेसर सिंगल यूज टू इंटरफेस, तो ये किस लिए यूज टू इंटरफेस किए जाते हैं, तो आपको बता दें ऑड बैंक मेमोरी के लिए, किस लिए ऑड बैंक मेमोरी के लिए। एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर, देखिए एक्सेस टाइम किसके लिए फास्टर होता है, तो आपको पता ही होगा SRAM के लिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए जो होता है एक्सेस टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट होता है। व्हाट इज द मीन बाय मास्क एबल इंटरप्ट, मतलब मास्क एबल इंटरप्ट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब आपका होता है एन इंटरप्ट डेट कैन बी टर्न ऑफ बाय द प्रोग्रामर, ऐसा इंटरप्ट जो कि टर्न ऑफ किया जा सके किसके थ्रू, प्रोग्रामर के थ्रू। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे, एड्रेस लाइन फॉर ट्रैप, तो ट्रैप के लिए एड्रेस लाइन क्या होती है, ट्रैप के लिए एड्रेस लाइन होती है आपकी 0024H, 0024H, तो आपका सीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, तो RST 07 क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक लाइन में करके वीडियो में आप नोट कर लें कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, RST 07, ताकि रिवीजन करते टाइम आपको केवल 25 लाइन पढ़े आपको क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। विच प्रोसेसर स्ट्रक्चर इज पाइपलाइंड, देखिए प्रोसेसर स्ट्रक्चर पाइपलाइन में यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑल x86 प्रोसेसर, ठीक है, ऑल 86 प्रोसेसर, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट, तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर इंटरप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए वो हो जाएगा ट्रैप बी, RST 5.5, 6.5, 7.5, और आपका इसमें जो जाएगा करेक्ट आंसर ऑल, ठीक है। तो 16 को जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन, और ये भी हो जाएगा INTR TRAP। व्हाट डस MP स्पीड डिपेंड ऑन, तो MP स्पीड किस पर डिपेंड करती है, तो आपकी MP स्पीड डिपेंड करती है एड्रेस बस विड्थ पर, ठीक है, एड्रेस बस विड्थ पर। देखिए इन 8086 द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द ऑल इंटरप्ट, देखिए कौन प्रायोरिटी रखता है, तो वो होता है आपका जो आपकी प्रायोरिटी रखता है वो आपका रखता है NMI, ठीक है, NMI
आई, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए 8086 डिफर 8086 तो कैसे डिफर करता है इससे, तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा विद ऑन द आउटपुट। तो इस तरीके से डिट करता है कि डाटा विद ऑन द आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 8086 द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट व्हेन। तो देखिए ओवरफ्लो फ्लैग मतलब कब सेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तब सेट किया जाता है जब सिंगल डिजिट नंबर गो आउट ऑफ देयर रेंज आफ्टर ए अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, कब, जब सिंगल डिजिट नंबर्स गो आउट ऑफ देयर रेंज आफ्टर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा वाई 8085 प्रोसेसर इज कॉल्ड 8-bit प्रोसेसर। मतलब ये क्यों 8-bit प्रोसेसर कहलाता है, इसका मेन काम ये है कि बिकॉज इट हैज 8-bit ALU। ठीक है, बिकॉज इट हैज 8-bit ALU। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता चुका हूँ जो 25 क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी 25 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ठीक है, विच इज नॉन वेक्टर इंटरप्ट, इनमें से कौन सा नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, तो INTR। ठीक है, कौन सा, INTR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 808 की एग्जांपल फॉर नॉन मास्क एबल इंटरप्ट आर, तो एग्जांपल क्या है इसके लिए, तो इसके लिए एग्जांपल है ट्रैप, TRAP। ठीक है, ट्रैप। अब देखिए इन 8085 एग्जांपल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो क्या एग्जांपल इसके नॉन मास्क के लिए, इसका भी एग्जांपल क्या है, ट्रैप। और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन रोम बी यूज एज स्टैक, क्या रोम स्टैक की तरह यूज कर सकते हैं, इसका आंसर होगा नहीं, रोम को कभी भी स्टैक की तरह यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे 25 क्वेश्चन जिनमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको माइक्रो प्रोसेसर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 50 माइक्रो प्रोसेसर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए जो भी पेपर की प्रिपरेशन करना है, ताकि उनके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है मिल जाए। तो फ्रेंड्स एक आपके साथ नई नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, मैं अभिषेक आपके साथ आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।